आपको 2 से 3 मिनट में आज पूरी ब्लॉकचेन समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपका टेक्निकल होना जरूरी नहीं है, कि ब्लॉकचेन करियर डेवलप करने के लिए कोडिंग जरूरी नहीं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का भी नाम है, बिटकॉइन करेंसी का भी नाम रखा गया था, उससे सारी कंफ्यूजन निकली कि शायद ये दोनों एक चीज है। ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन सीखने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये कोई बहुत नई चीज हो जाएगी हमारे लिए। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो फिर भी आप ब्लॉकचेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। जी इरफान साहब, अभी हम आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं तो मुझे क्विकली एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर कीजिएगा। कि जो ब्लॉकचेन की बाय बुक डेफिनेशन है वो मुझे आज तक समझ नहीं लगी यार, वो है क्या? तो प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा कि सिंपल वर्ड्स में। ये आपका मसला नहीं, ये बहुत से लोगों का मसला है और मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ इस पर। मैं आपको 2 से 3 मिनट में आज पूरी ब्लॉकचेन समझा देता हूँ और आपको इतना समझा दूंगा कि जब ब्लॉकचेन एक्चुअली आपकी लाइफ में एंटर होगी तो आपको पता होगा इसका करना क्या है। तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में जाए बगैर, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करें कि आपको एक इनविटेशन कार्ड आया है किसी फंक्शन का, एक हॉल के अंदर 500 से 600 लोगों को इनवाइट किया गया है, जो एक कार्ड आपके पास भी आया है। उसमें VIPs भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत से लोग हैं जो एक छत के नीचे जमा हो रहे हैं। अब आपको जो वो कार्ड दिया गया है, इनविटेशन कार्ड, वो काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी चेक है। जब आप उस बिल्डिंग में एंटर होते हो, उस हॉल में आप एंटर होते हो, तो वो कार्ड आप उनको दिखाते हो। सिक्योरिटी गार्ड आपका वो इनविटेशन कार्ड देखता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, वो इस रजिस्टर में मैप करता है कि जी बंदे की इमेज और नाम और क्रेडेंशियल्स रजिस्टर के अंदर सेम है। वो कहता है जाएं सर आप अंदर चले जाएं। जब दूसरा बंदा आता है वो भी उस लिस्ट में से देखता है, गार्ड उसको वेरीफाई करता है, उसको भी अंदर भेज देता है। इस तरह सारे लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो जो गार्ड बाहर गेट पे खड़ा हुआ है वो हर बंदे को बिल्डिंग के अंदर जाने दे रहा है अपना एक रजिस्टर देख के। तो आप इमेजिन करें कि जब बिल्डिंग के अंदर आप पहुंचेंगे, आपको नहीं पता कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपको ये नहीं पता कि और कितने लोग इस बिल्डिंग में हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ एंटर हुए हैं। सिमिलरली अगर आप कहीं शादियों पर जाएं तो आपको हर बंदे का पता नहीं होता कि आपके साथ कौन बैठा है। हो सकता है वो टेररिस्ट हो, खुदा ना खास्ता, हो सकता है वो कोई स्पाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन है। और अगर किसी टेररिस्ट ने उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होना हो तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ एक रजिस्टर के अंदर हैक करके अपना नाम डालना, सिंपल। एक रजिस्टर के अंदर वो अपना नाम डालेगा, एक गार्ड को बेवकूफ बनाएगा। पाकिस्तान में तो खैर हम वैसे ही चाय पानी देकर निकल जाते हैं, मैं आपको हाई लेवल बात बता रहा हूँ। वो एक गार्ड को ट्रिक करके, एक रजिस्टर को हैक करके बिल्डिंग के अंदर एज ए लीगल पर्सन एंटर हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है, इतनी बड़ी गैदरिंग में एंटर होकर कोई कार्रवाई डालने का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या करता है। ब्लॉकचेन अगर हम इस पूरे एग्जाम्पल पर अप्लाई करें तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक चेंज करेगा। जैसे ही कोई शख्स गार्ड के पास आएगा, वो कहेगा कि यार ये मेरा विजिटिंग कार्ड देखो, आई एम इनवाइटेड, तो उस बंदे के पास बाकी मेहमानों की लिस्ट ऑलरेडी होगी जो गार्ड के पास है। हर बंदे के पास पूरे मेहमानों की लिस्ट की एक कॉपी होगी जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है। अब ब्लॉकचेन क्या करेगी, जब भी कोई बंदा बिल्डिंग के अंदर एंटर होगा, एक अनाउंसमेंट होगी जी इरफान साहब इस हॉल के अंदर एंटर हो गए हैं, तो हर बंदा अपनी लिस्ट में देखेगा, अच्छा ठीक है जी इरफान साहब वॉज इन्वाइटेड, तो इसका मतलब है कि मुझे पता है इरफान साहब कौन है, फिर इरफान साहब इस इन बिल्डिंग में एंटर हो गए। अगर कोई टेररिस्ट आता है खुदा ना खास्ता, वो गार्ड का रजिस्टर ट्रिक कर लेता है और गार्ड को चाय पानी के पैसे दे देता है, जब वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होगा तो आपको क्या लगता है, अनाउंसमेंट होने के बाद मेरी लिस्ट तो वही की वही है, मेरी लिस्ट तो चेंज नहीं हुई? मैं फौरन बताऊंगा नहीं जी ये बंदा लिस्ट में नहीं है, फौरन वो बंदा पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर बंदे के पास मेहमानों की लिस्ट है। ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन आपको पावर देता है। जितना डेटा आपका सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में स्टोर हो रहा है, ब्लॉकचेन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है, डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है, और उस डेटा की एक कॉपी जो ब्लॉकचेन पे नोड्स हैं उनके पास अवेलेबल होगी। ब्लॉकचेन के अंदर डेटा को किसी एक जगह से हैक नहीं किया जा सकेगा, डेटा का ऑनर कोई एक शख्स नहीं होगा, ब्लॉकचेन के अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, वो आप डायरेक्ट एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं। अगर आपने कहीं से प्रॉपर्टी खरीदनी होगी फ्यूचर में, बीच में थर्ड पार्टी नहीं होगी,
आपने किसी को पैसे भेजने होंगे, बीच में बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप पीयर टू पीयर कर रहे होंगे और बीच में कोई जमानती नहीं चाहिए होगा। हम प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बीच में जमानती होते हैं, कोई जमानती नहीं चाहिए होगा क्योंकि उसके लीगल कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो द ब्लॉक चेन इज समथिंग लाइक दिस कि वो आपके डेटा को डिसेंट्रलाइज करता है, हर बंदे के पास उसके डेटा की ओनरशिप होती है और वो कनेक्टेड होते हैं सारे लोग आपस में, इसलिए चेन बनती है और जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चेंज होता है वो सबके पास जाता है क्योंकि सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं और ब्लॉकचेन आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएगा जैसे ये आपके लिए फ़ोन नॉर्मल हो गया ना, फेसबुक नॉर्मल एक प्रैक्टिस हो गई है, ब्लॉकचेन आपके लिए ऐसे हो जाएगी। और वो लोग तरक्की करेंगे, वो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे जिनको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट पता है। आई होप कि आपको ये आसान अल्फाज में समझ आ गया। बिल्कुल समझ लग गया मुझे इरफान साहब, थैंक यू सो मच मेरी कन्फ्यूजन दूर करने का। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि जब ब्लॉकचेन के ऊपर हम देख रहे हैं कि चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, क्या जितनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भी शिफ्ट हो रही है ब्लॉकचेन के ऊपर? देखिए, ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी, एक अच्छा क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है और बाकी टेक्नोलॉजीज की अपनी जगह है, ब्लॉकचेन की अपनी जगह है। आप यूं समझ लें कि ऐसे तमाम सिस्टम जिसके अंदर डेटा जो है वो एक सेंट्रलाइज जगह पे पड़ा हुआ है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होंगे। ऐसे तमाम सिस्टम जिसके अंदर डेटा जो है वो डिफरेंट कंज्यूमर से आ रहा है वो भी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होंगे। आपका ये जो करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। तो ऑब्वियसली जब पैसा आपकी करेंसी शिफ्ट हो रही है इसके ऊपर तो बहुत सी चीज़ें शिफ्ट होंगी। मेडिकल में जाएंगे तो पेशेंट्स का डेटा जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स हमारा डेटा को यूज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन विद द ब्लॉकचेन आप सबको ये ऑनरशिप मिल जाएगी, यू विल बी एबल टू इवन सेल योर डेटा एट अ वेरी हाई कॉस्ट। तो ब्लॉकचेन पे वो तमाम चीज़ें शिफ्ट होंगी जिनके अंदर डेटा है, जिनके अंदर कंज्यूमर्स हैं, जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके अंदर सिक्योरिटी चाहिए होती है, जिनके अंदर रिलायबिलिटी चाहिए होती है। आपने बात की क्रिप्टो करेंसी की, तो क्या क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन सेम है या इसमें कोई फ़र्क भी है? अगर है तो क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्यों। पहले जब ब्लॉकचेन आई, जब ब्लॉकचेन बनी, सतोशी नाकामोटो ने जब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया तो ब्लॉकचेन का नाम जो पहला पड़ा वो था जी बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का भी नाम है, बिटकॉइन करेंसी का भी नाम रखा गया था, उससे सारी कन्फ्यूजन निकली कि शायद ये दोनों एक चीज़ है। ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन आप यूँ समझ लें कि एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक करेंसी बनी है जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रांजैक्शन सारी कर रही है और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अगर एथेरियम को देखें, आप बिटकॉइन को देखें, ये दो जो हैं करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। एथेरियम के पीछे जो ब्लॉकचेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है, बिटकॉइन के पीछे जो ब्लॉकचेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। आप यूँ समझ लें कि लेट्स से कि मैं दो रेस्टोरेंट्स की बात करता हूँ, दोनों रेस्टोरेंट्स का मेन्यू अगर आपको सेम नज़र आता है तो रेस्टोरेंट्स के पीछे ऑपरेशंस मुख्तलिफ होंगे। दूर से तो हमें लगता है कि दोनों रेस्टोरेंट्स हैं, दोनों एक जैसा करते हैं, उनके स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, उनके ऑपरेशंस और उनके जो SOPs हैं वो मुख्तलिफ होंगी। तो क्रिप्टो एक और चीज़ है, ब्लॉकचेन एक और चीज़ है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे बनी हुई है और ब्लॉकचेन पे और बहुत कुछ बनने वाला है, तो इसको प्लीज़ कंफ्यूज ना करिए। पाकिस्तान में वैसे बड़ी कंफ्यूजन है इस बात। ये बताइएगा कि क्या एक आम कंसेप्शन है कि टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए या मुझे एक टेक्निकल होना ज़रूरी है या मुझे टेक्निकल पर्सन होना ज़रूरी है, इसी तरह ब्लॉकचेन को सीखने के लिए क्या मुझे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना ज़रूरी है इसका? नहीं है। इन केस ऑफ ब्लॉकचेन मैं बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ और हमने अभी ब्लॉकचेन को एक इजी एग्जांपल से भी प्रीवियस वीडियो में समझा। तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपका टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने हकूक़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन समहाउ आपके हकूक़ की प्रोटेक्शन करेगा जब वो आपको आपके डेटा की ऑनरशिप दे रहा है। तो पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, एंड देर आर मैनी ईजी मैथड जिससे आपको ये हो सकता है कि ब्लॉकचेन क्या। अभी तो हमारे पाकिस्तान में तो मुझसे ये भी पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन हलाल है या हराम, हम इसलिए बहुत पीछे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ब्लॉकचेन का समझना सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि या तो आप पेरेंट्स हैं या आप सीख रहे हो, आप किसी भी रोल में हो, तो या आप खुद के लिए काम कर रहे हो या किसी के लिए काम कर रहे हो,
हर केस में आपके पास मालूमात होना ज़रूरी है, जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसके बारे में बेसिक्स तो जानें ताकि आप सही फैसले कर सकें, अपने लिए सही फैसले कर सकें, अपने बच्चों के लिए सही फैसले कर सकें, अपने स्टूडेंट्स के लिए सही फैसले कर सकें, इस मुल्क के लिए सही फैसले कर सकें, एंड अबव ऑल अपने हकूक को समझ सकें। तो मेरे ख्याल में टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं। एक्सीलेंट सर। सर हमारी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो सबके सामने है, तो हम टेक को कैसे अपने इस कंट्री में फ़रोग दे सकते हैं और इन्वेस्टर्स को कैसे ग्रैब कर सकते हैं कि वो इधर आए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें? देखें, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया और इसका जवाब पे तो कई वीडियोस रिकॉर्ड हो सकते हैं। मैं चंद चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ। ये कोई एक एक्शन से या किसी एक बंदे का या किसी एक तबके का काम नहीं है कि मुल्क में टेक्नोलॉजी को वो ऊपर ले आए। बहुत सारे जो रोल्स हैं उनको इकट्ठे होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट लेवल से लेते हैं, वहाँ पे हमें जहाँ पे टेक्नोलॉजी के डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, वहाँ पे आप अचीवर्स को बिठाएं, हाई अचीवर्स को बिठाएं जिनका एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर हो टेक्नोलॉजी के साथ। जब आप वहाँ पे उन लोगों को प्लेस करेंगे वो लोग अच्छे फैसले लेंगे, जब वो लोग अच्छे फैसले लेंगे उनका इम्पैक्ट नीचे तक स्टूडेंट्स तक जाएगा, वो इंस्टीट्यूट्स की पॉलिसीज डिज़ाइन करेंगे, वो करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। और अबव ऑल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्या होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैं दुबई में था और वहाँ पे मैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन जाइटेक्स अटेंड कर रहा था। तो मैं हर साल जाता हूँ। मैं आपको जाइटेक्स के अंदर की बातें हम कभी बाद में कर लेंगे, वहाँ मैंने क्या देखा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जाइटेक्स होता ही क्यों है, इसमें यूएई की गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है। बेसिकली जो यूएई की गवर्नमेंट है वो 20, 25, 30 साल आगे का सोचती है। तो वो करते क्या है कि पूरी दुनिया से जो टेक की के लोग हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्वेंशंस हैं, आपने वहाँ देखा होगा, मैंने वहाँ पे फ्लाइंग टैक्सीज देखी, ड्रोन्स देखे, फ्लाइंग बाइक्स देखी, रोबोट्स देखे, मशीन्स देखी, बहुत सारे सेंसर्स देखे, इवन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि आपको एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी। जब वो सारी चीज़ें अपने मुल्क में लाएंगे तो उन पे इन्वेस्टर, पैसा इन्वेस्ट करने वाले भी आएंगे, वो भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये दो लोग मिलते हैं तो होता क्या है, वहाँ के लोकल्स में इंटरेस्ट डिवेलप होता है। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होता है तो गली गली में क्रिकेट फैलती है। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन होती है ये वहाँ के लोकल्स के लिए। अगर आप अपने यूथ को मोबिलाइज करना चाहते हैं, इंटरेस्ट डिवेलप करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस पाकिस्तान में करवाना होंगी। ऐसी एग्जीबिशंस जहाँ दुनिया भर से लोग अपना टेक लेके पाकिस्तान आए, दुनिया भर से उसको खरीदने वाले भी पाकिस्तान आए, और फिर पाकिस्तान में जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होना शुरू होगी। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट डेवलप होगा वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को, हमारी यूथ को ऊपर लेके जाएगा। इस वक्त हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हम एक टनल में, हमने अपने ये एक बाउंड्री डेवलप कर रखी है, हमें वो बाउंड्री को ख़त्म करना है। एंड एज आई सेड, ये आपका मेरा अकेले का रोल नहीं है, ना ही अकेली गवर्नमेंट का रोल है, हम सबको अपना रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। एग्जीबिशंस कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्सीलेंट सर। एग्जीबिशन से याद आया कि पाकिस्तान में जो मौजूदा टेक एग्जीबिशंस होती हैं उनमें और बाहर आपने इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं टेक से रिलेटेड और इवेंट्स अटेंड किए, इनमें फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है? देखें, मैं अब थोड़ा अल्फाज का चुनाव ज़रा ध्यान से करूँगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी टेक एग्जीबिशन से है ना, वो बहुत बुरा है। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूंगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मसला पता क्या है, हम सिर्फ उस कुएं से बाहर ही नहीं जाते, हम चार शहरों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको टेक एग्जीबिशन का नाम दे देते हैं। वर्सटैलिटी तो लाते ही नहीं है, इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ाते, उनको सिक्योरिटी नहीं देते, उनको रिवॉर्ड्स नहीं देते कि दुनिया भर से लोग अट्रैक्ट करने में बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं। हमारी टेक एग्जीबिशन इंटरनेशनल टैलेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में बुरी तरह फेल हो रही हैं। अगर यही लाहौर में बैठ के इस्लामाबाद की टेक को ही देखना है तो मैं क्यों टेक एग्जीबिशन में अपना टाइम ज़ाया करूँगा, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा? और कुछ जो टेक एग्जीबिशन मैंने की है, एग्जीबिशन स्टार्ट होने के बाद मैनेजमेंट तो कोई नज़र ही नहीं आती, अंदर कोई SOPs तो होते ही नहीं है। हमें टेक एग्जीबिशन को अगर ऊपर लेके जाना है, हमें इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, और उसके लिए हमें क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, मार्केटिंग से लेके SOPs तक सब बड़ा करना पड़ेगा, तब ये टेक एग्जीबिशन पाकिस्तान में कोई एक रोल प्ले कर पाएंगे।
बट इनिशिएटिव अच्छा है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे, बट दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। सर जाते जाते एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एज अ करियर क्या स्कोप है, और अगर मुझे एज अ करियर ब्लॉकचेन को अपनाना है तो मेरे लिए उसकी एप्लीकेशन जानना ज़रूरी है या उसके पीछे जो काम है वो देखना जरूरी है? कोडिंग या पहली बात तो मैं बताऊँ कि आप बड़े कमाल के सवाल ढूंढ के ला रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो लिटरली लोगों तक इनके जवाब पहुँचना ज़रूरी है। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ब्लॉकचेन करियर डेवलप करने के लिए कोडिंग ज़रूरी नहीं है। मैंने इस पर एक बात पहले भी की हुई है कुछ वीडियोज़ में कि ब्लॉकचेन से बहुत सारे करियर निकलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे के फिर इसकी तरफ वापस आता हूँ कि अगर हम आज सोचें ना कि यार एक शख्स ने मेडिकल में जाना है तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है ना कि डॉक्टर बनना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मेडिकल में जाने के लिए जिस तरह से डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, उसी तरह ब्लॉकचेन में आने के लिए कोडर होना ज़रूरी नहीं है। मेडिकल की फील्ड में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो मेडिकल की फील्ड के अंदर होते हैं। टोटल कुल मिला के मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी डायमेंशन हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी डायमेंशन हैं। अब मैं आपको कुछ क्विकली बता सकता हूँ। आप ब्लॉकचेन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर जा सकते हैं, उसके लिए आपके पास ब्लॉकचेन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट टीम को मैनेज कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ मिलकर। आप ब्लॉकचेन के अंदर एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके ब्लॉकचेन में बनी हुई एप्लीकेशंस को टेस्ट कर रहे होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कर रहे होंगे। पर वो आप कैसे करेंगे जब आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है। आप ब्लॉकचेन के अंदर जाके कंसल्टेंट लग सकते हैं। ये बहुत स्कोप है इस चीज़ का। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, लोग आते हैं ब्लॉकचेन कंसल्टेंट को अपने ऑफिस में बुला के कहते हैं कि हमें ये बताएं कि ब्लॉकचेन हम कैसे लगा सकते हैं और कहाँ लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बहुत स्कोप है इस चीज़ का। आप किसी को कैसे बताएंगे कि ब्लॉकचेन कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, अगर आपको खुद नहीं पता कि ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके आप, अगर आप लॉयर हैं और ब्लॉकचेन को समझते हैं, तो आप अपनी लीगल फर्म बना सकते हैं। आप ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपनी लीगल सर्विसेज दे सकते हैं। और ऐसी बेनतहा ऑप्शंस हैं, 5, 7, 8, 10 ऑप्शन मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी रिसर्च करें कि ब्लॉकचेन से क्या क्या करियर डेवलप होते हैं। उसके बाद जाके कहीं ब्लॉकचेन के अंदर डी एप्स डेवलपमेंट होती है, कोड होता है, वो आगे की बात है। और एक बात और मैं ऐड करता हूँ अजहर साहब, कि अगला सवाल कुछ लोग ये पूछेंगे, मे बी कॉमेंट में ड्रॉप करेंगे, सर हम तो .NET कर रहे हैं, WordPress कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं, अब हमें ये ब्लॉकचेन सीखने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये कोई बहुत नई चीज़ हो जाएगी हमारे लिए? ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है, इसको निकालें। और इतना आसान है ब्लॉकचेन के अंदर जाके कोड करना कि आप जितना कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो फिर भी आप ब्लॉकचेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। यू वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन क्या चाहिए सर? सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कि ये होता क्या है। That's it.